क्या होता है, कम्युनिकेशन नहीं होता, क्या दो वर्ड है बिजनेस और कम्युनिकेशन, ठीक है। तो पहले कम्युनिकेशन को समझने का प्रयास करते हैं, कम्युनिकेशन एक्चुअली होता क्या, कम्युनिकेशन मतलब क्या चीज होता है, कॉम्बिस लैटिन वर्ड है, क्या चीज, कॉम्बिस, जिसका मतलब होता है शेयरिंग। हम अपनी बातें, अपने विचार, अपने कोई भी आइडिया अगर हम शेयर करते हैं कहीं भी किसी भी मीडियम के माध्यम, किसी भी मीडियम पे एक दूसरे से, हो सकता है ग्रुप में शेयर करते हो, सकता है इंडिविजुअल शेयर करते हो, दैट इज कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेंडर। सेंडर मतलब क्या चीज, जो मैसेज भेजता, जो बोलता है, जैसे मैं बोल रहा हूं, आई एम द सेंडर, ठीक है। और जिसको मैं बोल रहा हूं, जैसे तुम सुन रहे हो, दैट इज रिसीवर। और हम कुछ बोल रहे हैं, जो कंटेंट है वो हो जाएगा मैसेज, क्या हो जाएगा वो मैसेज, ठीक है। और मैसेज का भी एक इनकोडिंग होता है, ठीक है, इनकोडिंग होता है। इसके जो एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन की वो मैं बता रहा हूं, जिसमें इनकोडिंग हुआ और क्या हुआ, चैनल, चैनल हुआ या मीडियम, चैनल और मीडियम, उसके बाद मैसेज मैंने बता दिया, इनकोडिंग बता दिया, सेंडर रिसीवर बता दिया, उसके बाद फीडबैक। यस, फीडबैक क्या होता है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ या मैसेज भेज रहा हूँ, उधर से जो हमारे इस मैसेज के प्रतिक्रिया में, रिएक्शन में जो रिप्लाई आता है वो होता है हमारा फीडबैक। मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ, अगर तुम रिस्पॉन्स दोगे, दैट इज फीडबैक। और नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एलिमेंट, नॉइज। जैसे पंखा चल रही तो पंखा सरसराहट की आवाज आ रही, अरे ये क्या है, ये भी कम्युनिकेशन का पार्ट है। कभी कभी मैं टेलीफोन पे बात करता हूँ, घर घर की आवाज आती है, कभी कभी माइक पे बोलते हैं हम लोग तो एकाएक खरखराहट लगराहट की आवाज आ जाती है, ये सब क्या है, माइक है। कभी हम घर में बात कर रहे हो और वहां घर में अगर बच्चे हो तो हल्ला करना शुरू कर देंगे, होता है कि नहीं होता, दैट इज द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दो के बीच में हो सकता है, ग्रुप से ग्रुप में हो सकता है, वन में भी हो सकता है, टू में भी हो सकता है कि नहीं। इसे सांस पकड़ो तो बोलना शुरू करे तो वन में होगा, पकड़ो ऐसे है ना, ना मानेगी सब ना, पकड़ो कैसे नहीं बोलेगी, कोई नहीं करता, वो टू में कम्युनिकेशन होगा, सांस पाक पाक डाल डाल तो पकड़ो कम्युनिकेशन में एक और टर्म आता होगा जो समझना चाहिए तुम लोगों को, सेवन सीज, क्लियर से लेकर के कंसीडर से लेकर करके, और सात ऐसे सी से बना हुआ वर्ड है, तो उसको मैं बाद में बताऊंगा। अभी कम्युनिकेशन का पार्ट होता है जिसको समझने के लिए बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन हो, इसके लिए उस चीज को समझना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ कम्युनिकेशन समझ, अब आते हैं बिजनेस। मैं कम्युनिकेशन को थोड़ा सा डिफाइन करने का प्रयास किया हूँ कि जब कम्युनिकेशन हो, शेयरिंग हो, तो स्पष्ट होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, है नहीं? और जिसमें बात हो रही है उसको कंसीडर करके और हम अपनी बातों को शेयर करनी चाहिए। तो यहाँ पे बिजनेस एक वर्ड है, बिजनेस मिस क्या होता है, बिजनेस मिस ये भी आता है ना, तो कुछ ना कुछ व्यापार व्यवसाय करके ऐसे कुछ आता है जो हम जानते हैं कि कोई ना कोई पैसा किया, पैसा मतलब पैसा एक वर्ड है हमारे पूरा जानने के लिए, कहते कारोबार, कारोबार, कारोबार है कि नहीं। बिजनेस एक स्टैंडर्ड वर्ड है इंग्लिश में, ठीक है। और बिजनेस ये भी आता है ना, तो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट होते हैं, कॉर्पोरेट मतलब कॉर्पोरेट समूह, ओके। और क्या बोलेगा, कॉर्पोरेट मीन्स क्या होता है,
कॉर्पोरेट का नाम सुनेंगे कॉर्पोरेट एक फिल्म भी आई कॉर्पोरेट फिल्म को देखा क्या है भाषा को सुना या देखो अच्छी फिल्म है कॉर्पोरेट उसमें गाना प्रसिद्ध कौन सा गाना सिकंदर ए सिकंदर ऐसे लग गया है अरे कैलाश का गाना है ये बहुत ही प्रसिद्ध गाना है तू भी बन सकता है एकदम सिकंदर ऐसे लग गया है को गाना नहीं सुना है अच्छी गाना है सुना मैंने उसी फिल्म का गाना है कॉर्पोरेट एक्चुअली क्या है कि बड़े बड़े जो बिजनेस होते हैं जिसमें सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं रुपेश तो वहां जो बिजनेस की बातें की जा रही है ना देखना उस समय हमेशा पूरा जैसे तुम लोग हो स्मार्ट दिखाई दे रहे हो इस मौसम क्या पड़ेगा टाई ब्लेजर और उसके बाद फॉर्मल सूट और कपड़े वैसे रहेंगे इसको लेके है कोई डियर किया अगेन ये जो तुम लोग अभी से प्रैक्टिस कर रहे हो समझोगे तुम किसी ना किसी कंपनी का सीईओ भी बन सकते हो तुम्हारे अंदर अभी से छटपटाहट या रिहर्सल चालू है तो जो ऐसे बन के आ रहा है तो भविष्य का तुम लोग बीए मान लो ना बीए हो सकता है किसी तुम दूसरे कंपनी में ज्वाइन करो या अपनी कंपनी खोलो कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग बिजनेस में तो बिजनेस ये वो एक लेवल हुआ और जो बाजार में छोटे छोटे दुकान जो होते हैं वो बिजनेस ही नहीं है ठेला पेड़ लगा तो बिजनेस ही नहीं है अरे बोलो वो भी बिजनेस है क्यों तो निचले स्तर से अगर है तुम आप कहीं भी किसी चीज बिजनेस कौन होता है आप जिसको बोलते हैं इस मंगली का नाम क्या है बिजनेस मतलब फायदा इस चीज को तुम समझना बिजनेस मतलब फायदा उसमें सामान जो खरीदी जाएगी और बेची जाएगी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पढ़ा होगा बचपन में करिए लाभ और हानि कैसे निकलता है विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य क्या हो लाभ लाभ विक्रय मूल्य ज्यादा मतलब कम में खरीद करके और ज्यादा में बेचा जाए तो फायदे होंगे नफा होंगे ठीक है वो बिजनेस फायदेमंद रहा इसलिए मायने रखता है कि जिस बिजनेस में कम्युनिकेशन बढ़िया है कभी कभी तुम लोग फोन आता है क्या हेलो सर गुड मॉर्निंग आप फल्ला कुमारी बोल रही है फल्ला कुमार बोल रहे हैं हमारी बैंक जो है आपको बहुत ही आकर्षक है क्रेडिट कार्ड देना चाहती है इसमें ये ऑफर आता है नहीं आता है सर ऑटोमेटिक कॉल भी आता है मैसेज भी आता है दिस ऑल आर द मींस ऑफ कम्युनिकेशन लेकिन हम उसको बोल रहे बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन बिजनेस की बातें हो रही है क्लियर की ना जिस कम्युनिकेशन में बिजनेस की बातें हो उसको बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं ठीक है बाकी इसमें एक और चीज आता है जो आगे बढ़ेंगे भी ये जो कम्युनिकेशन होता है दो तरीके से होता है कौन कौन सा तरीका फॉर्मल या इनफॉर्मल ये जो बातें होती ये फॉर्मल या इनफॉर्मल लोग कम्युनिकेशन करेंगे तो ऑफिशियली अगर हम कम्युनिकेट करते हैं दैट इज और कोई इशू नहीं है कोई मुद्दा नहीं है ऐसे ही हम मिले हाय हेलो और कम्युनिकेशन करना शुरू किए दैट इज इनफॉर्मल जो हम अपने दोस्तों में करते हैं लेकिन वही अगर हमसे ये जैसे कम्युनिकेशन हो रही है दैट इज फॉर्मल कि मैं ऑफिशियली यहाँ पे मैं तुमको इस टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ लेकिन यही मैं निकल जाऊंगा तुम बात करोगे क्या चीज सीमा हैदर की तो हो जाएगा इनफॉर्मल चूंकि हमारे टॉपिक नहीं है अगर तुम्हारा टॉपिक है अगे नहीं लेकिन मलाला यूसुफ जई के बारे में नहीं जानते कोई जानता है क्या नहीं जानते ना मलाला यूसुफ जई के नाम सुने कि नहीं सुने हैं सुना सुना लग रहा है ना पाकिस्तानी है
मलाला यूसुफ जई कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी है और कोई जानता है? अच्छा, ये मैं इसलिए नाम लिया हूँ कि कम्युनिकेशन फॉर्मल इनफॉर्मल जब बातें होती है तो इनफॉर्मल का कभी भी मैंने गंभीर मुद्दे पर डिस्कशन नहीं हुई, वो ऐसी बात पर डिस्कस होती है जिसका दिल्ली कोई फायदा नहीं होता, इसलिए इनफॉर्मल कहा जाता है और बिजनेस नहीं होता। ठीक है, एनीवे मलाला यूसुफ जई हमारे मैंने विश्व की एक 17 साल की लड़की है जो एजुकेशन के लिए खड़ी हुई और उसको नोबेल प्राइज मिला है 17 साल की लड़कियों की पाकिस्तान की ये बात है पाकिस्तान की है वो 17 साल की लड़की थी पिछली बार और पता है किसके साथ मिला था? हमारे देश का एक और है जिसको नोबेल प्राइज मिला शांति नोबेल प्राइज पता है किसका नाम क्या नाम है? अरे अभी जिंदा है कैलाश सत्यार्थी नाम कुछ बच्चे दो बच्चे जानते वायरल ही लोग नहीं होता है वायरल सीमा हजार जैसे टाइप लोग होते हैं और कुछ और रील्स पे देखो चाहे वीडियो में देखो चाहे खबर अच्छी चीजें वायरल नहीं होती ये दुखद है कभी अच्छी चीजों को वायरल करनी चाहिए ताकि बाकी में पे ना नहीं हम भी समाज सेवा करेंगे और हम भी शांति का नोबेल प्राइज 7 करोड़ रुपया ले लेंगे 7 करोड़ रुपया समाज सेवा करके भी लगता तो ये पैशन होनी चाहिए अरे पैशन हो ना हो लेकिन इंसानियत तो दिल में होनी चाहिए जहां पे मौका मिले सेवा करनी चाहिए कर वाला तो वाला ये मन के साथ करोगे तो होगा तो कम्युनिकेट बिजनेस ये बिजनेस नहीं है ये जो मैं बोला बिजनेस नहीं है ये जो मैं बता रहा हूँ कुछ फायदा देखी जा रही है हम बात करें कोलैबोरेट करना स्टार्टअप का नाम क्या था स्टार्टअप बिजनेस आज के समय में और यह हमारे युवाओं को अपने पैर खड़ा होने के सक्षम बना रही है स्टार्टअप वो क्या करते हैं बड़े बड़े कंपनियों के साथ स्पॉन्सर के साथ जो स्पॉन्सर करते हैं फंडिंग देते हैं फंडिंग एजेंसी या फंडर के साथ कम्युनिकेट करते हैं क्या कम्युनिकेट करते हैं कि हमारे यह आइडिया है कई ऐसी फिल्में हैं कई वेब सीरीज है स्टार्टअप या देखा गया स्टार्टअप वेब सीरीज कैसे वह संघर्ष करता है अपना आइडिया पता है कैसे दूसरे को चुरा लेता है और वो बन जाता है मिलोनायर तो स्टार्टअप ये होता है आइडिया चोरी अक्सर ऐसा होता है हम लोग भी अपने पास अगर आइडिया हो तो कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन करा सकते हो बिजनेस कम्युनिकेशन में स्पेशली जो कम्युनिकेशन की जाती है फायदे की जाती है एक सेंटेंस है द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल विद इन एन एंटरप्राइज एंटरप्राइज मींस क्या होता है व्यवसाय बिल्कुल व्यवसाय के अंदर किसी उद्योग के अंदर कंपनी के अंदर दैट इज फॉर द कमर्शियल बेनिफिट कभी कभी अंदर कोई प्रोफेशनल बात होता है जब तुम्हें किसी शोरूम में चले जाओ एकदम सार जितने भी वहां पे स्टाफ होंगे सब तुमको प्रोफेशनल बात करेंगे तुम उससे लेकिन वही कहीं बाजार में चले जाओ गांव देहात का कोई आदमी सब्जी बेचने आया हुआ है उससे बात करोगे तो उसका फर्स्ट ये वो ह्यूमैनिटी के साथ बात करता है उसके पास ना एटीट्यूड होता है ना प्रोफेशनल स्किल होता है प्रोफेशनल मतलब कि वह फायदे वाली ही बात करेगा उसको फायदा होता है तो उससे बात करेगा डील करने के बाद तुमसे मुस्कुरा के बात करेगा उसके बाद क्या होता है वह कम्युनिकेशन होगा क्यों कम्युनिकेशन होता है और तुम्हें नोटिस करना तुम ये भी इधर मुड़ रहा उसके चेहरे पे बाल हो जाता है प्रेशर में है वहां कमरे में ऐसा होता है ऐसा कभी देखा है ना होता है एक्चुअली उसको मुस्कुराने का और मीठा मीठा बात करने का ही पैसा मिलता होगा और वह जब मार्केटिंग करेगा उससे जब सेलिंग होगी ना तो उसका प्रमोशन होगा तो अपने से बेस्ट परफॉर्म करने का प्रयास होता है ठीक है हाँ तो बेनिफिट कमर्शियल बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एडिशन बिजनेस कम्युनिकेशन कैन आल्सो रेफर टू हाउ ए कंपनी शेयर इंफॉर्मेशन टू प्रमोट इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज टू पोटेंशियल कस्टमर और देखता होगा जो YouTube वीडियो देखता है YouTube वीडियो देखता होगा उसमें ऐड आता है ठीक है जिसकी
मतलब चैनल को मोनिटाइज है उसको पैसे मिलते हैं। जैसे मेरा चैनल मोनिटाइज है, पैसे आ रहे हैं। अब जितना ज्यादा उसका स्पीडअप होगा, लोग देखेंगे, जितना व्यू बढ़ेगा उससे उसको पैसा ऐड चलता। तो ऐड किसने चलता है हुआ? वो किसी न किसी प्रोडक्ट का होता है, सर्विसेज का होता है। जैसे तुम लोग कोचिंग वाला सबका या कुछ ऐसा वीडियो देते हो उसमें कोचिंग आएगा, बच्चा मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने बड़े बड़े कोचिंग में बायजू हो, आकाश हो, स्कैनर हो, अनअकैडमी, ये सबका क्या आता है? एड आता है। तो वो भी पकड़ता है कि सामने वाला क्या पसंद करता है। पकड़ने वाला कौन सा होता है? तुम्हारी सोच को, तुम्हारी मेंटालिटी को पकड़ लेता है कंप्यूटर। उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जैसे तुम गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे तुम जो सर्च कर रहे हो ना, तीसरी आप देख रही होती है तुम क्या सर्च कर रहा है ना, बचरा ना, जो तुम सर्च कर रहे हो वो तीसरी आप देख रही है। और तुम जैसा सर्च करते हो ना, वो पकड़ लेते हैं कि इसकी चाहत क्या है, उसकी डिजायर क्या है, और पकड़ते हैं और उसी तरह का कंटेंट परोसती है, रिकमेंड फॉर यू देता है सजेशन, और तुम्हारे लाइक एंड फॉलो क्लिक करेगा तो और समझेगा अच्छा इसको इसी टाइप से ही चाहिए, उसी टाइप कंटेंट तुम्हें भेजा जाएगा। उसे क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? कौन बताएगा? AI, yes, artificial intelligence. तो आज कल जो है ना, हमारे आदमी के दिमाग को जो है पकड़ ले रहा, साइकोलॉजी को पकड़ ले रहा कि सामने वाला क्या चाहता है। ठीक है, ये भी कम्युनिकेशन का माध्यम है, बिजनेस का माध्यम है। आजकल सारा बिजनेस जो है ना ऑटो मोड पे जा रहा है। ऑटो मोड पे मतलब कि वो ऑटोमेटिक सेटअप कर दिया गया, आदमी बेचने के लिए नहीं है वहां पे। हम ऑर्डर कर रहे हैं, पैसा भी आ जा रहा है, तुम्हारे पास सामान भी आ रहा है। ठीक है, तो ये बिजनेस में एक और जो यहाँ पे हर एक कंपनी शेयर इंफॉर्मेशन टू प्रमोट इस प्रोडक्ट और सर्विसेज टू पोटेंशियल कस्टमर। पोटेंशियल कस्टमर का क्या मतलब होता है? पोटेंशियल क्षमतावान, जो पोटेंशियल कस्टमर का, जैसे मान लीजिए इसमें सब पढ़ने वाले का तो है नहीं, अरे बोलो, हाँ, तो खुद से जो बच्चे हैं पढ़ने वाले उसको ध्यान दी जाएगी, ध्यान ना, उसको तो प्रमोट की जाएगी, उसको थोड़ा सा रखा जाए कारण कि वह सफल होने की संभावना उसके अंदर ज्यादा है, याद कर रहा है, समय पे आ रहा है। मैंने पहले ही बताया था कि जो तुम ड्रेस पहन रहे हो वो भी एक कम्युनिकेशन है, वो भी एक मैसेज है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये जो हमारा पोटेंशियल स्टूडेंट होता है, अगर से उसने कल कितना ले रहा, उसने कोई किसी को बोलता नहीं है समोसा पोस्ट लेके अपने आप खड़ा हो गया 75 साल। लीजिए ये क्यों नहीं कहता कि दिस इज लीडरशिप क्वालिटी और वो पोटेंशियल स्टूडेंट है, वो आगे अच्छा करेंगे, ये भी मैं बता रहा हूं। कहना नहीं भाई इसको समोसा दो, इसको चटनी दो, चटनी देने वाला चटनी उठाया, जिसको लोग जरा जगह बनता है ये हमारे पोटेंशियल कस्टमर, मतलब की उसके पास दिमाग में है खरीदने की चाहत है, सेवा लेने की चाहत है, तो पोटेंशियल कस्टमर हो जाता है। उनके बीच में यह ऐड किया गया, कम्युनिकेट किया, ठीक है, माउथ पब्लिसिटी के साथ साथ डिजिटल पब्लिसिटी भी की जाती है ताकि दिमाग पे चल, बार बार बताई जाती है। अभी जब इतना होगा फ्लिपकार्ट अमेजन का आता है, इतना तारीख से इतना तक बम्पर कुछ ऐसा क्या आता है, सेल बोला सब बिग सेल आता है। देखो जो आदमी नहीं भी खरीदने वाला होता है ना, वो भी सुना सुना से इतना परसेंट छूट दे रहा है, छूट देने का लॉजिक जानता हूँ, सामान पुराना हो गया, अब एक्सपायर होने वाला है, तो दाम 100 रुपया, दाम कहना 200 रुपया, पता 50% छूट, समझ में आया? ये मार्केटिंग और कम्युनिकेशन है। तो ये चलिए
बिजनेस होता हूँ, ये जो फायदे की प्रमोट किया जा रहे हैं इसमें शुभ रहता है बिजनेस मेरे कहा क्लियर बढ़िया से क्लियर होना चाहिए। बिजनेस कम्युनिकेशन मतलब जिसमें फायदे की बात की जाती है, कंपनी की बात की जाती है, इंटरप्राइज की बात की जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। यहाँ देख सकते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन पीपल विद इन एंड आउटसाइड, दो वर्ड है विद इन और आउटसाइड ए कंपनी। कंपनी के अंदर भी कम्युनिकेशन होता है, वो कम्युनिकेशन कैसा होता है कंपनी किसी किन लोगों के बीच में होता है कंपनी के अंदर मैनेजर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, सीईओ होते हैं, एम्प्लॉई होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, मैनेजर होते हैं, डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, ये सब कंपनी के अंदर होता है। जब कंपनी खोलो मैं तो चाहूंगा कि तुम खोलो रजिस्ट्रेशन कराओ ना करा देते हैं कंपनी का रजिस्ट्रेशन, बड़ी मुश्किल है, बड़ा एक सपना दे रहे हैं तुम लोगों को, सोचो जाकर तो पापा मम्मी से बात करो जिसको बिजनेस में जाने का मन है, कंप्यूटर साइंस में तुम बीसीए कर रहे हो तो ये बहुत मायने रखता है कि तुम आगे का करियर खुद से सेटल करो, खुद का बॉस हो। तो कंपनी के अंदर तुम्हारा जो इम्प्लॉय होगा उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो दैट इज इन साइड विद इन द कंपनी, और आउटसाइड का मतलब कंपनी के बाहर किसी दूसरे कंपनी से बात करना हो, कस्टमर से बात करना हो, या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी से भी कोलाबोरेट करना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंपनी, दैट इज आउटसाइड। ये क्लियर सब बोला ठीक है, ये हुआ अगर इंटरप्रेट बिजनेस कम्युनिकेशन इज हाउ एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट इंटरेक्ट टू ईच रीच टू रीच ऑर्गेनाइजेशन गोल। इसलिए क्या होता है हमेशा देखना हर एक कंपनी का एक अपना गोल सेट किया था कि इस साल इतना टर्नओवर लेना, इतना टर्नओवर का मतलब क्या होता है इतना लाभ कमाना है, इतना फायदा कितना हमको इनकम जनरेट कर रहा होगा, ऐसे कितने ऐसे है जिनके मन में जो हम तो अपनी कंपनी खोलनी चाहिए, एक दो तुम लोग बहुत फायदा है, 10 लाख का मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, 5 लाख का मांग 5 लाख फायदे के लिए कर सकते हो, अभी रजिस्ट्रेशन करा अभी मिलेगा 10 लाख अभी मिल जाएगा अपने नाम से कंपनी, मैंने कोई भी क्रिएटिव नाम दे दो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी भैया मैं चोरी करती हूँ, बनाने वाले तो हायर कर लू ना, मैं आइडिया दे रहा हूँ सब बनेगा, सब बनेगा जब कंपनी बनाते जीएसटी तो बनाना ही पड़ेगा, तुम लोग समझ जाओ कि कैसे बिजनेस चलता है, और अभी इस रूप में समझ गया आने वाले समय में बड़ा सा बिजनेस मिल जाएगा। अंबानी एक बड़ा सा नाम है हमारे देश में, नाम सुना होगा, और कहा जाता है कि वही पेट्रोल पंप पे काम करता था पेट्रोल डालने का, ये सपना जो कितना बड़ा था, और आज देखो साम्राज्य स्थापित है, आज हमारी जो नेट चल रही है, हमारे पास जो नेटवर्क है, हमारे पास जो वाईफाई है सब उसी कंपनी से आ रहा जियो वाला है ना, इतना ज्यादा वायरल होगा। ये करिए अपना ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत सेट की जाती है, उसको अचीव करने के लिए कंपनी के अंदर और एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्ट की जाती है, बात है भाई तुम अपना सेलिंग बढ़ाओ, तुम अपना कैपेसिटी बढ़ाओ, तुम अपना ये जो टीम वर्क है ना उसको बढ़ाओ, उनकी भीड़ की जाती है, कभी कभी किसी दूसरों पर डिसमिस करके किक आउट करके दूसरों को डराया जाए, न काम करने का किक आउट कर दी जाए, कंपनी से बाहर कर दी जाए, आगे ऐसे भी होते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन प्रेजेंटिंग ऑप्शंस न्यू बिजनेस आइडिया, जो मैंने अभी बताया कि तुम्हारे पास कोई भी आइडिया हो उस बिजनेस को तुम इस्टैब्लिश कर सको, कंपनी के नाम रजिस्ट्रेशन करवाओ, मैं चाहूंगा रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम में करा लो, कोई नहीं इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं, 18 साल हो गया आराम से करा लो, कोई टेंशन नहीं, अकाउंट खुला है अपने नाम से, अच्छा सरकार पैसा लेने के लिए डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, तो प्लान बना के एग्जीक्यूटिंग क्या होता है
किसी भी एग्जीक्यूटिव मतलब किसी एक्सक्लूसिव काम को करने के लिए कोई ऑफिसर है या कोई ऐसा भी ऑथराइज्ड पर्सन उसको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। जब उनके बीच में डिस्कशन होती है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव डिसीजन, वो बताएंगे ये काम करना है बेटा ऑफिसर दे देते। रीचिंग एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट्स जब एग्रीमेंट्स क्या होता है एमओयू नाम सुना है एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखा होगा कि G20 का कॉन्फ्रेंस हुआ G20 ठीक है, जिसमें अन्य देशों के बीच में दूसरे दूसरे देशों के बीच मेमोरेंडम साइन हुआ, मेमोरेंडम ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलता है जिसमें टर्म एंड कंडीशन तुमको क्या करना है मुझे क्या करना है एक कॉमन गोल होता है ये हासिल करना ठीक है। तो हम इतना फंड लेंगे आप इतना फंड लेंगे और ये काम करना है और किसी ने गड़बड़ किया चारों निकाल देगा उसको एग्रीमेंट गड़बड़ नहीं करेगा एग्रीमेंट को फॉलो करना जरूरी है। सेंडिंग एंड फुलफिलिंग ऑर्डर कंपनी है स्वाभाविक है कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं जैसे अमेज़न फ्लिपकार्ट व्हाट्सएप या हम ऑर्डर करते हैं जिस कंपनी में गया जिस शॉप में गया वहां से हमारे पास ट्रैकिंग पे आईडी आ जाता है लिंक आ जाता है हम ट्रैक कर देते हैं वो फुलफिल करता है हमारे रिक्वायरमेंट को सक्सेसफुल सेलिंग। और हमारे पास ये सबसे बड़ी चीज होती है कि किसी कंपनी की सफलता का निर्धारण उसके सेलिंग से होता है। कोई फिल्म सुपर डुपर हिट हो गया होता है जब फिल्म देखने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा देखते हैं रेवेन्यू बढ़ता है मतलब कि जितना ज्यादा देखेगा वो फिल्म उतना ही ज्यादा होते यहाँ तक सबके लिए बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है और बिजनेस कम्युनिकेशन है क्या इम्पोर्टेंस क्या है ये चीज मैंने बताया यहाँ पे ये सारे पॉइंट समझ में आया बहुत ही बेहतर तरीके से। और इसके अलावा बहुत सारे वीडियोज है तुम्हारे कंप्यूटर फंडामेंटल से लेकर सी प्रोग्रामिंग तक और बिजनेस कम्युनिकेशन ये बीसी और एमबीए में भी पढ़ाई होती है पता है एमबीए और एमसीए में पढ़ाई होती है ये सब ठीक है। ये तुम लोग पढ़ रहे हो ना आगे के लिए भी तैयार हो रहा है निश्चित रहो तुम एमसीए करो या एमबीए करो ये सब जरूरत पड़ेगा। आप तुम एमबीए या एमसीए करो ना करो लाइफ में जरूरत पड़ेगा ये तो मैं बता रहा हूँ फाइनल चीज है कि नहीं इसलिए करो। और अगला जो चैप्टर है अगला जो टॉपिक है अगले वीडियो में और सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ।